भरे हुए हैं यहाँ पे, अभी उन्होंने भर के रख दी है यहाँ पे, ये देखेंगे। और यहाँ पे कुछ बच्चे भी बैठे हैं और कुछ मजदूर भी। अच्छा, इसकी माड़ी वगैरह है। कौन है वो? वो बादू ठाकुर है। हाँ, अच्छा वो कौन सी जो इलाका कौन सा है आपका जो? अच्छा, ये कांबा क्या बोलते हैं इसको, कपड़े का? कांबा, कांबा। अच्छा, ऐसे क्या होता है कि मतलब वो एक तो जगह खराब इस वजह से कि ये, अच्छा इसको फिर छोड़ना भी पड़ता है या नहीं, एक ही जगह पे लेके बैठे होते इसको? थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं, थोड़ा। तो ये ऐसे ही तोड़ते हो? हाँ ऐसे ही तोड़ते हैं, थोड़ा नीचे कर। ये देखें गाइस, नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, कैसे सब बड़े होंगे दोस्तों, एक न्यू वीडियो में वेलकम करता हूं दोस्तों। तो आज हम आए हैं यहां पे जामुन की जो बाग है, हमारे हिंदू भाई की बाग है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इन्होंने कितने के लिए और अभी इनका जो रेट क्या चल रहा है जामुन का दोस्तों, तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली, वीडियो को एंड तक जुड़े ना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना दोस्तों, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारे जो भगत भाई बैठे हैं उनसे भी बातचीत भी कराएंगे दोस्तों, ठीक है। वो भी ठाकुर हैं, तो आप लोगों ने भी बोला था, बोले हमारे ठाकुर भाई हैं उनके भी दिखाओ, तो आज हमारे ठाकुर भाई से भी मिलवाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अभी हम पहुँच गए हैं, ये है यहाँ पे जामुन के जो दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पे, देखें अभी लगे हुए, ये है फार्मी, देसी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे देखें टोकरी जो है बोलते हैं यहाँ पे, ये भरे हुए हैं यहाँ पे, अभी उन्होंने भर के रख दी है यहाँ पे, ये देखें गाइस। और यहाँ पे कुछ बच्चे भी बैठे हैं और कुछ मजदूर भी। अच्छा, इसकी तो पहले तो भाई राम राम, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम वीरू है। वीरू ठाकुर? हाँ ठाकुर, ठाकुर। तो भाई ये ठाकुर हैं। तो अच्छा, ये पहले बताओ इनके अभी क्या मतलब प्राइस चल रही है, एक टोकरी जो होती है कितने की, इसकी मतलब जो रेट है इसका? ये अभी कराची में जा रहा है किलो के हिसाब। क्या रुपए किलो है? हाँ ये 60-70 रुपए किलो चल रहे हैं अभी। 60-70 रुपए? हाँ। क्यों इसकी प्राइस कम है? लेकिन ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छी चीज है खाने के लिए, हर चीज में ये यूज होती है। पर अभी रेट गिर गया है, पता नहीं क्या हो गया, जामन ज्यादा आ गए, पता नहीं क्या है। अच्छा, हाँ। तो ये कौन से फार्मी है? हाँ, फार्मी है ये। ये देखें दोस्तों, ये भी इनके डिजाइन है। अच्छा, ये डिजाइन बनाने पड़ते हैं इसका? हाँ, ये डिजाइन बनाना पड़ता है, इसमें मेहनत बहुत है इसमें। अच्छा, वो कैसे? मेहनत के हिसाब से हमारे को इसकी प्राइस नहीं मिल रही है अभी। अच्छा, खर्चा बहुत हो रहा है इसका। अच्छा, ये पहले ये बताओ, ये बाग आपने जो लिया था ये तकरीबन इसमें प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ अभी? इसमें पैसे तो आपने निकाल दिए? नहीं निकाले? पैसे भी नहीं निकले, अभी तो नुकसान में जा रहा है, अभी नुकसान में जा रहा है। हाँ। चलो अच्छा, ये भी कितने इसमें टोकरी में कितने किलो आते हैं तकरीबन? इसमें तकरीबन 14-15 किलो आते हैं। 14-15 किलो? हाँ। तो ये कितने की टोकरी पड़ जाती होगी? ये बस 1400-1500 रुपए में ही नहीं पड़ रही है ना, अभी तो 60-70 रुपए किलो चल रहा है, पहले तो 100 रुपए तक जा रहे थे। अच्छा। आ, अभी तो कम हो गया रेट इसका। तो कराची में तो इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, हाई को मतलब जो इसके बहुत ज्यादा। तो अभी ये बैठे हैं यहाँ पे भगत साहब, राम राम भगत साहब। राम राम। क्या नाम है आपका? दयाराम। दयाराम भगत जी। ठाकुर? ठाकुर। तो आपके कोई इंडिया में मायर वगैरह है? नहीं, रिश्तेदार? मायर वगैरह है। कौन है वो? वो बादू ठाकुर है। हाँ, अच्छा वो कौन सी जो इलाका कौन सा है आपका जो वहाँ पे? जमशाबाद में। अहमदाबाद में? जमशाबाद नहीं, जमशाबाद अपना यहाँ पे। अच्छा अच्छा, अहमदाबाद में ये? अहमदाबाद में। अच्छा, तो वो वहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं? हाँ। ठीक। अच्छा, ये बाग आपने लिया है अभी? हाँ। चलो ठीक है, तो अभी इसके मतलब जो आपने प्रॉफिट वगैरह कुछ हुआ है नहीं इसमें? कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसे ही चल रहे बस, अभी ऐसे ही चल रहे हैं। इसमें तो देखें एक मजदूर भी होंगे, उनको भी मतलब दिहाड़ी निकालनी पड़ती है? इसकी मजदूर निकल रही है बस। बस। अच्छा, मजदूरी कितनी जो होते हैं मजदूर, उनको देते हो आप? 700 देते एक को, एक को। अच्छा, जैसे मतलब जो बंदा वैसे उसका रेट है? हाँ, ऐसा रेट है। ऐसे जैसे कारीगर है एक, मतलब जो नई कारीगर होता है उसका ऐसे हिसाब से रेट होता है। तो दोस्तों ये देखें यहाँ पे ये बैठे हैं अभी, और इनके ये प्रॉफिट वगैरह जो भी होता है नुकसान कार में भी जा रहे हैं। बोले हमने तो इसकी जो अभी लगाई थी इनकम, जो लगाई थी इसमें इन्वेस्ट किया था, इस हिसाब से तो हमें इसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अच्छा, ये सामने पेटी है? हाँ, ये पेटी है। अच्छा, ये भी पेटी भी जाती है भर के? हाँ। ये कितने किलो की पेटी होती है? ये पेटी बस 6-7 किलो की है। 6-7 जी। अच्छा, ये कितने की बिकती होगी? ये भी ये बस 500-600 की, 700 की। तो इतनी क्यों प्राइस है इसमें? तो इसके जामुन के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये पहले था ना, अभी तो नहीं है ना। क्यों? हाँ, पहले तो मैंने ये 1200-1500 जा रही है पेटी। हाँ, अभी नहीं जा रही है। अभी नहीं जा रही है? नहीं जा रही है। पहले हमारा माल तैयार नहीं था। पहले माल तैयार नहीं था। हाँ, नहीं अभी, पहले अभी माल कच्चा था ये। हाँ, तो रेट ज्यादा था इसका। हाँ, ये टोकरी भी 5-6 हजार की जा रही थी। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो गाइस ये देखें अभी ये मजदूर आए हैं। ये देखें सामने, और ये देखें कैसे इसको जो पटाई करते हैं, कैसे करते हैं, देखें दोस्तों। अच्छा, ये कांबा क्या बोलते हैं इसको, कपड़े का? कांबा, कांबा। अच्छा, ऐसे क्या होता है कि मतलब इसमें वो एक तो जगह खराब नहीं होते इसमें? हाँ, इसमें खराब। अच्छा, इसमें मतलब सेफ होते हैं? हाँ, सेफ होते। तो दोस्तों ये देखिए अभी ये निकाल रहे हैं बाहर, ये देखें गाइस। तो जामुन की जो पटाई करते हैं ऐसे करते हैं पटाई, ये देखें दोस्तों। ये हमारे हिंदू भाई हैं ठाकुर, उन्हीं की बाग है ये जामुन की। हाँ भाई, बहुत मुश्किल से तुड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, ये तो कच्चे होते हैं? नहीं,
इसके टाँड जो होते जो टहनी होती है वो टूट भी जाती है जल्दी से, है ना? रस्सा बंधा है ना? अच्छा, चलो दोस्तों वो भी आपको दिखाते हैं इसकी जो पट्टा है वो कैसे करते हैं। अभी ये देखें इन्होंने निकाले हैं, ये देखें दोस्तों ये होते हैं खाने में। तो अभी इसका जायका तो बहुत अच्छा, कैसा जायका कैसे है अभी खाने में? जायका सही हो गया। अच्छा, बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट। आप तो दोस्तों ये देखो, ये देखें गाइस, ये है जामुन। हाँ, उसको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखें यहाँ पे जो इसकी पटाई करते हैं ऐसे, ये रस्सा बांधा हुआ है, रस्सा जो ऐसे बांधते फिर जैसे कैसे इसके करते हैं रस्सा, जैसे रस्सा ऊपर से जाता है, ऊपर से आता है। हाँ, ऊपर इससे बंधा इसके ऊपर है भी, वो रस्से पे उतरेगा नीचे पटाई करता करता साइड में से। अच्छा अच्छा, वो बोलेगा भाई थोड़ा मुझे नीचे कर दो, फिर फिर ये नीचे छोड़ेगा इसको थोड़ा थोड़ा सा। अच्छे ऐसे नहीं, ये पूरा छोड़ दे तो नीचे आ गए, सारा माल भी खराब हो जाएगा। अच्छा 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 गाइस, तो देखें ये रस्से, ये देखें रस्सा यहाँ पे बांधा हुआ है और ये रस्सा कुछ पड़ा है इसकी, देखें कैसे इन्होंने मतलब जो बनाया हुआ, ये देखें सीधा ये रस्सा जो जा रहा है ऊपर। अभी देखें भाई भी लगा हुआ है ऊपर, और ये देखें हाँ वो जा रहा है, उसके भी पटाई कर दे। वो देखें यहाँ पे बैठा है, क्या नाम है आपका? विजेश। तो ये देखें विजेश भाई अभी पूरा रस्सा बांध के बैठे हैं अपने आप को, इस वजह से कि ये अच्छा, इसको फिर छोड़ना भी पड़ता है या नहीं? एक ही जगह पे लेके बैठे होते इसको? थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो दोस्तों ये रस्सा भी बहुत मोटा होता है, ये ऐसे नहीं कि छोटे वाला रस्सा, ऐसे नहीं बंदा भी नीचे गिर जाए। तो अभी देखें यहाँ पे देखें कैसे लटका हुआ है नीचे, ये देखें भाई, भाई राम राम लगे हुआ पटाई कर रहे हो? जी हाँ। अच्छा, वाह भाई वाह, देखें कैसे लटक रहा है सामने, देखें दोस्तों ये देखें अभी। तो ये ऐसे ही तोड़ते हो? हाँ ऐसे ही तोड़ते हैं, थोड़ा नीचे कर। ये देखें गाइस, अभी वो थोड़ा सा रस्सा नीचे करेगा तो फिर ये नीचे आएंगे, ये देखें गाइस। अच्छा, ये आपने जो रस्सा बांधा हुआ है तो उसके मतलब कुछ सपोर्ट है या ऐसे ही है? सपोर्ट है ना ऊपर से। अच्छा, डायरेक्ट ऊपर से मतलब टाड़ी अलग टेनी से लेते हो ऐसे रस्से को? टाड़ी में लेते हैं। हाँ, ये देखें गाइस, तो अभी हम आए थे यहाँ पे, मैंने कहा अभी भाई है हमारे हिंदू भाई हैं जामुन है, उनके बाग भी दिखाएंगे और उनके जो अभी क्या प्राइस है क्या इनकम है वो भी दिखाएंगे दोस्तों, और जो जामुन की जो पट्टाई वो कैसे करते हैं दोस्तों। तो ये देखें, ये कितने दरख्त हैं यहाँ पे जामुन के? तकरीबन 16 दरख्त हैं। 16 दरख्त हैं ये? अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं है बस यही है? इधर ये लगे हुए हैं और इस तरफ 60-70 दरख्त। अच्छा, वो उस तरफ भी है? हाँ। वो आपके हैं किसी और के? वो नहीं, वो और के हैं। अच्छा, वो और के? वो देसी है। वो देसी है? हाँ। अभी देसी के तो मतलब पटाई नहीं किए ना आपने? देसी की नहीं किए अभी। अच्छा, वो क्यों उसकी लेट हो जाती है? ये जल्दी आ जाते हैं? ओ मना, थोड़ी लेट वाली सीजन है। अच्छा, और ये? ये पहले वाली सीजन है। अच्छा, ये फर्स्ट है, वो लेट हो जाते हैं इस वजह से। ठीक है भाई, तो ये देखें यहाँ पे ये टोकरियाँ भरी हुई हैं, तो ये टोकरियाँ होती हैं और इसमें। अच्छा, डेली की कितनी टोकरियाँ निकल जाती हैं? तकरीबन 10-12-15 तक निकल रही है डेली की। और ये पेटी भी तो साथ भरते होगे ना? पेटी तो नहीं भरते, पेटी तो कल से शुरू की है बस। अच्छा, देख एक तो मिसाल ये कि आपको मतलब जो ज़्यादा प्रॉफिट इसमें होता है या इसमें पेटी में होता है आपको? पेटी में माल कम आ रहा है इसके हिसाब से, तो पेटी हमारे को बारे में है। अच्छा, और ये इसके तो देखें अभी खर्चा बहुत हो रहा है, अभी 100 रुपये तो खाली टोकरी है ये। अच्छा, यहाँ से किराया भी है इसमें? 250 रुपया इधर का किराया है कराची का, हाँ? टोकरी का। हाँ, और इसमें फिर कमीशन होती है और उधर की मजदूरी होती है, और यहाँ पे लोग जो मजदूर चल रहे हैं उनकी भी मजदूरी होती है। सही बात है, सारा इसमें ही करने पड़ता है। 1400-1500 की टोकरी जा रही है, इसमें तकरीबन हमारे को मिलते ही 300-400 रुपये बचते हैं बस। वाह भाई वाह वाह, ये देखे दोस्तों अभी ये बेचारे उनके भी क्या करें, तो रोज़ी तो वैसे करनी पड़ती है। तो दोस्तों आज हम आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पे जो जामुन की जो पटाई करते हैं वो कैसे करते हैं, और ये हमारे हिंदू भाई हैं उन्होंने ये भाग लिया था, लेकिन ये बोलने हमें इसमें से कुछ भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। बहरहाल अभी तो ज़्यादा तो अभी माता रानी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी प्रॉफिट होगी कितनी होगा। तो अभी ये कितने टाइम हो गया आपको मतलब जो पटाई कर रहे हैं इसकी? अच्छा, ये नहीं ये 3 मतलब 10-15 दिन हुए बस। 10-15 दिन? तो इसमें मतलब 10-15 दिन आपने निकाल दिए माल या नहीं निकाला? अभी आपने निकाल दिया है? ठीक है, तो दोस्तों ये देखें यहाँ पे, और ये सीढ़ियों पे भी करते हो? सीढ़ी भी करते हो सीढ़ियों पे? हाँ। अच्छा, इस वजह के दोस्तों सीढ़ी पे भी पटाई करते हैं इसकी, ये देखें भाई सीढ़ी भी लगी हुई है। हाँ, ये देखें गाइस। ओके गाइस, तो आज हम आए थे यहाँ पे जामुन का जो बाग है वो भी दिखाने, और ये हमारे हिंदू भाई का था दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे वीडियो लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना और अपना सा एक कमेंट कर देना प्यार सा दोस्तों। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।